भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम का एक अहम हिस्सा है। 31 साल के पांड्या आज भारतीय टीम के पेस अटैक का अहम हिस्सा है। वह बीच में साझेदारी तोड़ने के साथ डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर हारी हुई बाजी को पलट दी थी। पहले उन्होंने खतरनाक दिख रहे हेनरिक क्लासिन को आउट कर साझेदारी तोड़ी और फिर अंतिम ओवर में 16 रन बचाकर 17 साल बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनाया। पांड्या ने 3 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 अहम विकेट झटके थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तरह की करिश्माई गेंदबाजी करने वाले पांड्या कभी लेग स्पिनर हुआ करते थे? फिर एक वाक्य से उनका करियर पूरी तरह बदल गया। दरअसल हार्दिक पांड्या सूरत के रहने वाले हैं, लेकिन क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उनके पिता हिमांशु पांड्या बड़ौदा शिफ्ट हो गए, क्योंकि बड़ौदा में क्रिकेट खेलने की सुविधाएं अच्छी थी। इसके बाद उन्होंने हार्दिक और उनके भाई कृणाल का एडमिशन भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज किरण मोरे की एकेडमी में करा दिया। उनके बचपन के पर्सनल कोच जितेंद्र कुमार की माने तो 7 साल के हार्दिक शुरू से काफी मेहनती थे। वह एकेडमी सबसे पहले पहुंच जाया करते थे। हार्दिक के पिता ने बताया कि वह पहले सिर्फ बल्लेबाजी किया करते थे। उन्होंने बहुत देर से गेंदबाजी करनी शुरू की और पहले लेग स्पिन में हाथ आजमाया। हार्दिक की तेज गेंदबाज की क्षमता को बचपन के कोच सनत कुमार ने पहचाना। एक वाक्य ने उन्हें लेग स्पिनर से तेज गेंदबाज बना दिया। दरअसल एक बार नेट सेशन चल रही थी और निचले क्रम के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करना था। इसके लिए कुछ तेज गेंदबाजों की जरूरत थी, लेकिन सभी तेज गेंदबाज थके हुए थे। तभी कोच सनत कुमार ने नेट में उनसे गेंदबाजी करने को कहा। हार्दिक इस दौरान करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे। उनकी पेस और कंट्रोल देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद सनत कुमार ने उन्हें इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और आज नतीजा सबके सामने है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस